सौगंध है मुझे, सौगंध है मुझे, सौगंध है मुझे अपनी अयोध्या की, अयोध्या की, और अपने राम भैया की, राम भैया की। एक बार वो तुष्ट मुझे मिल जाए, तुष्ट मुझे मिल जाए, उसे जीवित नहीं छोड़ेगा ये भरत। ऐसा ना कहो पुत्र, जो मैं कह रहा हूं माता वो अब तक तो हो जाना चाहिए था, आपको उसे मृत्युदंड दे देना चाहिए था। वो दुष्ट, वो दुष्टा तुम्हारे सामने खड़ी है, जो दंड देना है अपनी मां को दो, अपनी मां को। समरासुर युग के समय महाराज के प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्होंने मुझे दो वर दिए थे, जो मैं जीवन में कभी भी उनसे मांग सकती थी। और आपने ये वर मांगा, ये हीन विचार आपके मन में आया? सत्य कहना मां, ये भयानक विचार मेरी मां के मन में आया? तुम्हारी माता हूं इसलिए विचार आया। अपने पुत्र के भविष्य की नींव ये माता इसी आधार पर रख सकती थी भरत। भरत, तुम बहुत सरल हो, राजनीति नहीं समझते हो। तुम्हारे जाते ही महाराज ने कौशल्या के पुत्र राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था। मेरे भरत के जाते ही राम का मार्ग निष्कंटक कर दिया था। मेरे भरत के साथ अन्याय किया था, किंतु मैंने एक मां ने अपने वर मांग सत्ता पलटती भरत का। केवल तुम्हारे लिए पुत्र। मत कहो मुझे पुत्र कैकेयी। मत कहो मुझे पुत्र। जो शब्द मुझे अमृत सा मीठा लगता था, आज वही शब्द विष की तरह मेरे कानों में चुभ रहा है। ये पाप करके तुमने मुझे अपनी ही दृष्टि में गिरा दिया। सोच भी कैसे लिया श्री राम की परछाई ये भरत छल से छीना हुआ सिंहासन स्वीकार कर लेगा। यही भय तो सदैव सताता रहता था मुझे कि तुम कहीं राम की परछाई बनकर ना रह जाओ। अपनी भावनाओं में बहकर भविष्य की आहुति मत दो भरत। आहुति तुमने दी है अपनी ममता की, लालच के कुंठित यज्ञ में। स्मरण रखना, अब से इस संसार में कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। परंतु यह भी सत्य है कि यह संसार भरत नाम पर भी संदेह करेगा। भरत, ऐसा मत कहो। भरत, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, ताकि तुम एक दास का नहीं राजा का जीवन व्यतीत कर सको। और एक सत्य ये भी है कि तुम्हारे मार्ग से राम नाम के कांटे के साथ साथ लक्ष्मण और सीता भी वन चले गए।
श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम अद्भुत लक्ष्मण और माता सीता को भी तुमने वन भेज दिया। अरे तुम नारी हो या राक्षसी, अपने पुत्रों और कुल वधु को तुमने संन्यास दे दिया और इसी शोक में मेरे पिता भी। नहीं भरत, ये केवल एक संयोग था। झूठ! ये कोई संयोग नहीं, षड्यंत्र था तुम्हारा। कैकेयी, मेरे पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारे वचनों का भार था। तुमने मारा है उन्हें। ये लांछन मुझ पे मत लगाना भरत। लांछन मैं नहीं, ये संसार लगाएगा तुम पर कैकेयी, और उस कलंक का बोझ मैं ढोऊंगा। तुमने एक नहीं दो दो पुत्रों की ममता को छला है, जिन राम ने तुम्हें अपनी अपनी जननी से ऊपर माना उन्हें छला, और जिस पुत्र भरत को तुमने जन्म दिया उसके जीवन को कलंकित कर दिया तुमने। ऐसी होती है माता, ऐसी। कहते हैं कि एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती। नहीं भरत, पर कैकेयी तुम इतिहास की पहली ऐसी माता हो जिसने कुमाता होना चुना। मैंने जो कुछ भी किया भरत तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे मुंह में आकर किया भरत। बस बस, माता पिता का कर्तव्य अपनी संतान को उचित मार्ग देना होता है, वन का मार्ग देना नहीं। इस पाप का कलंक मिटाने में मेरा संपूर्ण जीवन कम पड़ जाएगा। नहीं भरत, तुम्हारे कारण मेरे राम भैया और मेरी माता है जाने क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। केवल मैं हूं तुम्हारी माता। मां शब्द का अपमान मत करो कैकेयी। मन तो करता कि इस राष्ट्र में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दो। परंतु मेरा यह निर्णय मेरे राम भैया को आहत करेगा, पर दंड तो मिलेगा। जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नरक बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं। आज से तुम मेरे लिए केवल महारानी कैकेयी हो और कुछ नहीं। ये दंड मत दो पुत्र। सौगंध है मुझे अपने राम भैया के, जिस सत्ता और सिंहासन के लिए तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। उस अयोध्या के सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा मैं, और ना ही इस कक्ष में फिर कभी पग रखूंगा मैं। भरत, भरत सुनो, मैं रघुकुल कुमार भरत, रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूँ कैकेयी। भरत, 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 ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। भरत मुझे क्षमा कर दो भरत। भरत,
जल पापी। कोई बताओ मुझे, कोई तो मेरी सहायता करो। जो सहायता करने आगे बढ़ा उसे तुझसे भी बड़ा दंड दूंगा दुष्टा। चल पापी, प्राण ले लूंगा मैं तेरे। भरत, भरत मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो भरत। हट जाइए भैया, इस दुष्टा को आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। शत्रुघ्न, संयम रखो शत्रुघ्न। हम रघुकुल के वंशज हैं और हम नारी पर हाथ नहीं उठाते। नारी, नारी ऐसे नहीं होती है भैया, नारी के वेश में एक राक्षसी है ये। शत्रुघ्न, आप नहीं जानते भैया, इसी ने हमारे राम भैया को, माता सीता को और लक्ष्मण भैया को वन भेजा है। षड्यंत्र के इस धागे की एक छोर को महारानी कैकेयी ने भी थामा है शत्रुघ्न। दंड तो उन्हें भी मिलना चाहिए। स्मरण रहे, यदि हमने मर्यादा भंग की तो भैया राम की दृष्टि में अपराधी बन जाएंगे, त्याग देंगे वो हमें। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे भैया? ये दुष्टा मृत्यु दंड की भागी है। अपराधी को क्या दंड दिया जाए यह निर्णय एक राजा का है। राम भैया को लौटने दो, इसके पाप का दंड वही निश्चित करेंगे। और भैया के अयोध्या लौटने की तैयारी शुरू करो, तब तक इस पापी और दुष्टा को कारागृह में डाल दो। नहीं, नहीं भरत। सैनिकों, नहीं, ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह। मुझे मत भेजो भरत, मुझे मत डालो। नहीं, 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 नहीं भरत, ऐसा मत करो, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बचा लो भरत, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हमारे राम भैया मर्यादा के पर्याय हैं, किंतु समझ नहीं आता भैया, लक्ष्मण भैया ने अपराधियों को दंड क्यों नहीं दिया? क्यों वो चुपचाप बन चले गए? क्यों भैया, बताइए। इसीलिए क्योंकि लक्ष्मण ने सौभाग्य चुना, भैया राम के साथी होने के गर्व को चुना। यदि हम भी लक्ष्मण के स्थान पर होते तो हम भी राम भैया की भांति मर्यादा का दामन नहीं छुड़ा पाते। अनाथ करके नहीं जा सकते हमें। मां, भरत, भावी राजा को इस प्रकार प्रलाप करना शोभा नहीं देता। बधाई हो युवराज, पिता की भस्म को आधार बना के राज सिंहासन पा ही लिया तुमने। आज महारानी कैकेयी तो बहुत गर्व से भरी हुई होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। रघुकुल में
नया कीर्तिमान जो बनाया है तुमने, राज सिंहासन के लोभ में संबंधों की बलि चढ़ाकर सिंहासन पाने वाले एक शिवाकु वंश के पहले राजा बनने वाले हो तुम, तो ये व्यर्थ में आंसू बहाकर ढोंग करना बंद करो और आनंद लो इस सत्ता का, इस राजपाट का, और जो तुमने किया है उसका दायित्व लो भरत। नहीं मां, ऐसा मत कहिए। मां मां मेरा विश्वास कीजिए मां, मैंने कुछ नहीं किया मां। कौशल्या मां, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका अपना भरत कभी स्वप्न में भी ऐसा सोच सकता है? मां, बालपन से ही आपने मुझे सबसे अधिक प्रेम किया है। ये संसार चाहे मेरे चरित्र पर उंगली उठा ले मां, किंतु आपका मौन, आपका क्रोध मैं नहीं सह पाऊंगा मां। मैंने कुछ नहीं किया मां, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। सौगंध है मुझे आपके नारायण की, अपने राम भैया की। यदि इस षड्यंत्र में मैं अंश मात्र भी इसका भागी हूं तो इसी क्षण मेरे प्राण निकल जाए, इसी क्षण मुझे मृत्यु आ जाए मां। विश्वास कीजिए मेरा, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। दोबारा ऐसा मत बोलना, हम पहले ही दो पुत्र और एक पुत्र वधु खो चुके, अब तुम भी ऐसे अपशब्द कहोगे तो हम माता है तो जीते जी मर जाएंगी। विश्वास कीजिए, राम भैया के चरणों से बड़ा सिंहासन मेरे लिए और कुछ नहीं है, उनके छत्र छाया से सुरक्षित कोई पद नहीं। जिस मां ने जन्म दिया वो तो दुष्टा निकली, किंतु मां आपने आपने राम भैया को जाने की अनुमति ही क्यों दी? मां की ममता ने प्रयास किया था, बहुत समझाया था मैंने, पर तुम तो राम को जानते हो ना, नीति वचन और स्त्री धर्म की सीख थी, सब कुछ छोड़कर चला गया सीता और लक्ष्मण के साथ, और देखो तो नारायण ने भी कितना कठोर हृदय दिया मुझे कि उसके चले जाने से मेरे प्राण भी नहीं गए। कहा था ना मैंने सुमित्रा, मेरा भरत कभी कूटनीति नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, अपनी संतान और अपने स्वामी के वियोग में मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ भी ना पाई। नहीं मां, आप क्षमा मत मांगिए, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, दोष तो मेरा है जो मैं उस महारानी केकवे के गर्भ से जन्मा, ये महादेव ने भी कैसा भारी प्रहार किया है मुझ पर, समझ नहीं आता मुझे कि उससे लिए जन्म का पाप उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। मां 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 भरत,
राम ने तो मेरा काट डाल दिया, किंतु तुम मेरी एक बात मानोगे, मुझे मेरे राम के पास वन में छोड़ाओगे ना? नहीं माँ, कदापि नहीं, क्योंकि ना तो ये न्याय है और ना ही ये प्राश्चित। मैं आपको वन में लेकर नहीं जा सकता माँ। बल्कि जो वनवासी हो गए हैं उन्हें अयोध्या पुनः लेकर आऊंगा मैं, अपने राम भैया, सीता भाभी माँ और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को पुनः अयोध्या लेकर आऊंगा मैं। धन्य हो कुमार भरत, तुम धन्य हो। संसार भाग्य पाने के लिए धर्म को पीछे छोड़ जाता है, परंतु तुम धर्म का पीछा करते करते भाग्य को त्याग रहे हो। तुम्हारा यह निर्णय, तुम्हारा यह समर्पण, यही धर्म की परिभाषा है। जो समय चला गया उस पर रोने का नहीं, पर जो हाथ में है उसे संभालने का है। अपने दायित्व को निभाने का है। अपने आंसू पोंछ लो पुत्र, और अपने पिता महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ करो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.